जय हिंद दोस्तों। तो मैं भाई स्वागत करता हूँ सभी का एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैं रात में अपडेट कर चुका हूँ कि आपकी जो है एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की जो आपकी एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट जो है वो अब शो करने लग गई है। तो अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो गाइस आप तुरंत जाकर चेक कर सकते हो। और आपको चेक कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ गाइस आप लोगों को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस आपको रेगुलरली जो है इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या फिर आपको जितने भी पारामिलिट्री फोर्सेज हों, डिफेंस फोर्सेज हों, सब के बारे में अपडेट मैं रेगुलर देते रहता हूँ। तो गाइस, जैसे ही आपकी एडमिट कार्ड आई थी, एडमिट कार्ड की जो नोटिफिकेशन आई थी, मीन्स आपकी जो डेट आ गई थी, तो मैंने तुरंत अपडेट कर दिया था आप लोगों को। ऑलरेडी मैं आप लोगों को इससे पहले भी एक वीडियो दे चुका हूँ कि आपकी जो है एडमिट कार्ड की डेट जो है वो कब तक आने वाली है। मैं आपको पहले बता चुका था कि आपको जो है 7 से 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सिटी और जो है आपकी एग्ज़ाम डेट वो शो होने लगेगी, और उसके बाद आपको 48 आवर्स पहले आपको आपकी जो डाउनलोड लिंक है वो आपको वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल होगी। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है गाइज। आपको कल रात में आपको इंडियन एयरफोर्स ने एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है आप लोग सभी लोगों की, और आपको जो है एडमिट कार्ड वो आपके एग्ज़ाम से 48 आवर्स पहले डाउनलोड होगी। और अगर आप कोई थर्ड पार्टी सोर्सेज को रेफ़र करके चेक करते रहते बार बार, तो गाइज किसी भी थर्ड पार्टी सोर्सेज पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। मैंने पहले ही बोला था गाइज कि आप लोग ऑफिशियल साइट को रेफ़र कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले ऑफिशियली अपडेट आती है, और ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है कल रात में ही, लेकिन अभी भी कोई भी थर्ड पार्टी साइट पे एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है। अगर आप इसी साइट पे जाते हो, ठीक है, अगर आप सरकारी दल साइट पे जाते हो तो वहाँ पे देखते हो एडमिट कार्ड में भी एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, अगर आप इसे ही रेफ़र करते रहते बार बार तो आपको ये जानकारी नहीं मिल पाती कि आपको आपकी एडमिट कार्ड में जो है अब जो वहाँ पे एग्ज़ाम से और डेट अब शो होने लग गई है। तो गाइस, आपको मैं पहले बोलता हूँ कि आप हमेशा ऑफिशियल साइट को रेफ़र कीजिएगा। तो आपकी जो इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिस साइट है वो है airmanselection.cdac.in। ठीक है, तो आपको इस पे जाना है। आप जैसे ही इस साइट पे जाते हो तो आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप जाइएगा। ठीक, उसके बाद आपको जो है कहाँ से आपको चेक करना है कि आप चेक कैसे कर सकते हो अपनी, तो आपको ये जो 3 डॉट दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो थ्री डॉट आपको दिख रहा है, तो 3 डॉट पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर कैंडिडेट टैब होगा। ठीक, ये कैंडिडेट टैब हो सकता है कि आपको यहाँ पे सोना हो, तो आपको इसके लिए क्या करना है मोबाइल से चेक करने के लिए, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जाके आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली शो हो जाएगा, लेकिन आप मोबाइल से करते हो तो मोबाइल में थोड़ा इशू आ सकता है। तो आपको सबसे पहले ये डेस्कटॉप साइट कर देना है यहाँ पे। जैसे आप डेस्कटॉप साइट करते हो तो उसके बाद जो है आपको तब जो है वहाँ पे कैंडिडेट टैब पे क्लिक करना है। ठीक, कैंडिडेट टैब अभी भी क्लिक नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आपको मैं उपाय बता दूँगा कैसे वो करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, और हम मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही कैंडिडेट टैब पर क्लिक करोगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है ये जो दिख रहा होगा कि लॉगिन फॉर इनटेक 1/2022, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका ये लॉगिन पेज खुलेगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले तो आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, और अगर आप अपनी आईडी या फिर पासवर्ड भूल चुके हो तो गाइज वो भी मैं बता दूँ कि आपको कैसे फॉरगेट करनी है। तो आपको ये जो खुलेगा यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा, तो ये तो ईमेल आईडी जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है जिससे आपने फॉर्म भरा था, और आपने कुछ पासवर्ड सेट किया होगा। ठीक है, तो आपको वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है जो आपने पासवर्ड सेट किया था फॉर्म भरने समय। उसके बाद आपको कैप्चा डाल के लॉग इन साइन इन पर क्लिक कर लेना है। तो मैं आपको लॉग इन करके दिखा दे रहा हूँ गाइज कि वहाँ पर कैसे आप वहाँ से चेक कर सकते हो लॉग इन करने के बाद। तो लॉग इन करके आपको बस ईजिली आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखिएगा, और अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन। तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है आपको। तो मैं पहले पासवर्ड भूल चुके हो तो उसके लिए बता देता हूँ कि आप कैसे पासवर्ड अपने फॉरगेट कर सकते हो। तो अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अब आपको ईमेल आईडी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है अपनी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सीक्रेट क्वेश्चन जो आपने सेट किया था, जैसे कि सीक्रेट क्वेश्चन में क्या है, आपने अपने बर्थ प्लेस या फिर अपने हाई स्कूल या फिर कुछ नाम सेट किया होगा, अपने सीक्रेट क्वेश्चन आपने कुछ सेट किया होगा, तो आपको अपने सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेनी है। सीक्रेट क्वेश्चन मान लीजिए बर्थ प्लेस आपने सेलेक्ट किया, तो बर्थ प्लेस आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक, उसके बाद आपको जो आपने बर्थ प्लेस का आंसर डाला था, बर्थ प्लेस सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं आंसर डाल देता हूँ। ठीक, जो आंसर था आपका वो आंसर आपको डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा दिख रहा होगा, तो आप जैसे ही ये फॉरगेट करते हो यहाँ से, तो आपको ईमेल पे आपकी फिर से पासवर्ड आ जाएगी। ठीक, तो उसी पासवर्ड से आप वहाँ जाके लॉगिन कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत इजी मेथड है। ठीक, तो आप फॉरगेट करने के बाद आपको यहाँ पे आके अब लॉगिन करनी है। तो मैं लॉगिन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको शो हो रही है आपकी एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट आपको कहाँ पे शो हो रही है, और एडमिट कार्ड मीन्स आपकी जो एडमिट कार्ड है वो कब से आपको डाउनलोड अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड, जैसे ही आपका लॉगिन है तो इस तरह का आपका खुलता होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट सिटी, ये सब आपको शो होता होगा।
यहाँ पे आपको अपनी प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा होगा, फिर उसके सबसे नीचे में जाना है आपको, ठीक है, 5 नंबर में। वहाँ पे आपको लिखा गया होगा कि एग्ज़ाम डिटेल और प्रिंट एडमिट कार्ड, ठीक, तो आपको इसी पे क्लिक करना है, एग्ज़ाम डिटेल और प्रिंट एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको अपना आपका एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट वहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि आपकी जो है, बोला गया है कि आपकी जो है एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड 2 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम डेट। तो मैंने बोला था कि आपको 48 घंटा पहले, बिल्कुल वैसा ही पिछला बार जैसा इंडियन एयरफोर्स ने किया था वैसा ही इस बार भी किया उन्होंने, कि आपको 48 आवर्स, 2 डेज़ यहाँ पर लिखा गया है, तो 48 आवर्स, ठीक है, तो 48 आवर्स अर्लियर टू योर एग्ज़ाम, उससे पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को मिलेगी। तो आप एग्ज़ाम मीन्स आपका अगर 18 तारीख को है तो आप 16 तारीख को एडमिट कार्ड अपनी डाउनलोड कर सकते हो, तभी यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड शो होगा। अभी आपका एडमिट कार्ड शो नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका अब उससे नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है शो ऑफ होगा आपकी एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एग्ज़ाम डेट क्या है, 18th of April 2021, एग्ज़ाम सिटी धनबाद झारखंड। तो इसी तरह से आपको आपकी जो है एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी अब वहाँ पे शो होने लग गई होगी। तो आप अपना खुद का एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है और एग्ज़ाम सिटी क्या है, और आपको एडमिट कार्ड जो है 48 आवर्स पहले अब डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज़ इस वीडियो में तो बस आप लोगों तक इतना ही इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी मदद हुई होगी और ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।